आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक फीमेल की, एक गर्ल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं जब वो पहली बार सेक्स करती है। क्या कोई एक लड़की को देखकर ये बता सकता है कि वो वर्जिन है या नहीं, या फिर कोई टेस्ट, कोई चेकअप ऐसा होता है जिससे वर्जिनिटी का टेस्ट हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि लड़की पहले सेक्स कर चुकी है या नहीं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नो है। कोई भी आपकी बॉडी को देखकर या कोई टेस्ट या चेकअप करके नहीं बता सकता कि आप वर्जिन हो या नहीं। हमारे सो कॉल समाज में ये मान्यता है कि अगर लड़की फर्स्ट नाइट में ब्लीड की या फिर उसको ब्लड आया पहली रात में, तो फिर वो वर्जिन है, नहीं तो भाई साहब वो अपवित्र है और वो पहले सेक्स कर चुकी है एंड वो वर्जिन नहीं थी, ऐसा मान लिया जाता है और लड़की को तो बहुत ही परेशानियां सहनी पड़ती हैं। बट मेडिकल साइंस में ये इतना आसान नहीं होता है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए जानते हैं कि वर्जिनिटी का मतलब क्या होता है और वर्जिनिटी लॉस्ट होना किसे कहते हैं। वर्जिनिटी का मतलब होता है जब तक एक लड़की सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, जब तक एक लड़की ने किसी मेल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं किया है, तब तक वो वर्जिन होती है। इसका खून आने से कोई संबंध नहीं होता है। पहली रात में जिन लड़कियों को ब्लीडिंग होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उनका हाइमेन जो होता है वो स्ट्रेच होता है। वर्जिनिटी टूटती है भाई, ये कोई वॉल थोड़ी है जो टूट जाएगी। ये हाइमेन होता है जो एक पतली सी झिल्ली होती है जिसमें ऑलरेडी छेद होते हैं, जिससे कि लड़कियों को पीरियड्स का ब्लड आता है। कुछ लड़कियों में ये बहुत मोटा होता है जिसको सर्जरी के द्वारा निकालना पड़ता है ताकि पीरियड ब्लड अच्छे से आ सके, और कुछ में इतना पतला होता है कि हल्की सी स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज और कोई भी भारी काम करने की वजह से अपने आप ही टूट जाता है। कुछ लड़कियां तो पैदा ही बिना हाइमेन के होती हैं। तो खून आना और वर्जिन होना, अगर आप भी आज तक ऐसा सोचते थे तो प्लीज़ स्टॉप इट, ये सब नॉनसेंस बातें हैं, बेकार की बातें हैं। वर्जिन होने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, जब तक आपने किसी मेल के साथ सेक्स नहीं किया है तब तक आप वर्जिन हो, और जब आप फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करती हो, सेक्स करती हो अपने मेल पार्टनर के साथ, तब आपकी वर्जिनिटी लॉस होती है। वर्जिनिटी लॉस होती है तो आपकी बॉडी में, स्पेशली एक फीमेल की, एक गर्ल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले होते हैं हार्मोनल चेंजेस। जब आप सेक्स करते हो, इंटरकोर्स करते हो, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं। आपका जो ब्रेन होता है वो फील गुड हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे कि डोपामाइन, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, आपको खुशी का अनुभव होता है, आप हैप्पी रहते हो, आपका स्ट्रेस कम होता है, आप रिलैक्स फील करते हो, और आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ये हार्मोन जो होते हैं इनकी वजह से आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाते हो, तो ट्रस्ट और बॉन्ड को भी ये इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में सेक्स के दौरान आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आप ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण आपकी ब्रेस्ट एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, आपके ब्रेस्ट बड़े लगने लगते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से किसी किसी लड़की में परमानेंट ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, बट ये सबके साथ नहीं होता है। तो अगर आपके ब्रेस्ट बड़े नहीं हुए तो ये भी कम्प्लीटली नॉर्मल है, बट जब आप सेक्स कर रहे हो उस दौरान भी आपके ब्रेस्ट में, आपके निप्पल्स में स्वेलिंग आ जाती है, जो आफ्टर सेक्स कुछ सेकंड के अंदर ही वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा आपका जो निप्पल है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और हल्का सा टच करने पे भी उसमें पेन होने लगता है, ये भी अगेन ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपकी जो विसल्स हैं वो स्वेल होती हैं, जिसकी वजह से आपके निप्पल सेंसिटिव हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से आपका जो क्लाइटोरियस होता है उसमें स्वेलिंग आती है, और उसमें स्वेलिंग आती है तो ये सुनिश्चित होता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम इंटरकोर्स करोगे तो वो कम पेनफुल होगा और आप ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। सो आफ्टर हैविंग फर्स्ट टाइम सेक्स आपकी वजाइना में भी कुछ चेंजेस आते हैं। जब आप पहली बार इंटरकोर्स करते हो तो उसके बाद आपकी जो वजाइना है उसमें क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो सेक्स के दौरान आपकी वजाइना जो होती है वो खुद को स्ट्रेच करती है, जो उसकी इलास्टिक
होती है वो बढ़ जाती है और आपकी वजाइना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, ताकि जब भी आप इंटरकोर्स करो तो वो खुद को स्ट्रेच करके थोड़ी सी बड़ी हो जाए, और फिर वापस जब सेक्स हो जाए तो उसके बाद वो खुद को फिर से सिकोड़े और अपनी पोजीशन में वापस आ जाए। तो सेक्स के दौरान आपकी वजाइना जो होती है वो स्ट्रेच हो जाती है एंड आफ्टर सेक्स वो वापस से अपनी पोजीशन ले लेती है। तो पहली बार सेक्स के बाद वजाइना को चेक करके कोई नहीं बता सकता कि आप सेक्सुअली एक्टिव हो या नहीं हो, क्योंकि हमारी वजाइना वापस अपनी पोजीशन में आ चुकी होती है। हाँ, कुछ कंडीशन में, जैसे कि आप अगर रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हो और लॉन्ग टाइम तक, 6 महीने 1 साल के बाद, जैसे कि आप अपने बालों का रबर बैंड का ले सकते हो एग्जांपल, जब आप एक रबर बैंड को खींचते हो वापस छोड़ते हो तो वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। बट अगर आप रेगुलर उसको यूज़ करते हो 1-2 साल, तो फिर क्या होता है, वो परमानेंटली थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वैसा ही होता है हमारी वजाइना के साथ। अगर आप रेगुलर इंटरकोर्स करते हो और 1-2 साल से कर रहे हो, तो फिर आपकी वजाइना का साइज में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है। इसके अलावा सेकेंड रीजन, जब आपका चाइल्ड बर्थ होता है, जब आप एक बच्चे को जन्म देते हो, वजाइनल बर्थ होता है, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, वजाइना के द्वारा आपका बच्चा निकलता है, तो आपकी जो वजाइना है वो परमानेंट स्ट्रेच हो जाती है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम सेक्स के बाद आपकी वजाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होती है, उसको देख कर कोई नहीं बता सकता कि आप वर्जिन हो या नहीं हो। नेक्स्ट, आपका जो क्लिटोरिस है और जो यूट्रस है वो सीखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हो, पहली बार सेक्स कर लेते हो, तो आपके जो क्लाइटोरस होता है, जो यूट्रस होता है, उसको समझ आता है कि कब हमें अपने आप को स्ट्रेच करना है और कब एक्सपेंड करना है, कब कब बड़ा होना है, कब छोटा होना है। सो ये चीज़ें आपके यूट्रस, आपको क्लाइटोरस को समझ आने लगती है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरकोर्स करते हो तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा प्लीजरफुल होता है। नेक्स्ट, एक चीज़ बहुत सारे लोग ध्यान देते हैं कि आफ्टर हैविंग सेक्स बहुत सारी लड़कियों के चेहरे पर ग्लो आ जाता है। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन जो होता है वो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हो, और एक चीज़ होती है ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ता है। ये दोनों ही वजहों से आपका जो स्किन होता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा रेडनेस आती है और स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है। तो ये रीज़न होता है जब आप आफ्टर मैरिज, आपकी जो स्किन होती है वो ग्लोइंग हो जाती है। नेक्स्ट, ये चीज़ है कि आप पहली बार सेक्स के बाद बहुत बार अपने पीरियड मिस कर देते हो और आपको फॉल्स अलार्म मिलता है प्रेगनेंसी का। ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, और कम उम्र होने की वजह से और पहली बार सेक्स किया है, पीरियड्स नहीं आए, फॉल्स अलार्म आपकी बॉडी दे रही है, तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो कि कहीं हम प्रेगनेंट तो नहीं हैं। बट ये चीज़ें भी हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं। तो जब तक आपको प्रेगनेंसी के और सिम्टम्स ना मिले, या फिर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, अगर वो पॉजिटिव ना आए तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत बार ऐसा होता है, जब आप पहली बार सेक्स करते हो तो आपके पीरियड्स लेट आते हैं। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।